ईस्ट इंडिया की एक ऐसी स्टेट है, वैसे तो सब लोग जानते हैं लेकिन घूमने के लिए यहाँ पे क्या क्या जगह है बहुत लोगों को नहीं पता। उस स्टेट का नाम है उड़ीसा और उसी की कैपिटल भुवनेश्वर में आज हम यहाँ पर हैं। भुवनेश्वर जो कि मॉडर्न जमाने से लेकर पुराने हेरिटेज तक सब कुछ अपने अंदर समाये है। यहाँ पे भुवनेश्वर में जो भी कोई घूमने आता है अपने यहाँ घूमने आने वाले हर तरीके के टूरिस्ट का ख्याल रखता है, चाहे भुवनेश्वर का हो प्राचीन लिंगराज मंदिर या फिर उसके खांडगिरी केव जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, चाहे भुवनेश्वर में हो मॉडर्न मॉल या फिर यहाँ का इस्कॉन टेम्पल, हर वेरायटी के टूरिस्ट के लिए भुवनेश्वर के पास कुछ न कुछ जरूर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में घूमने फिरने की सारी जगहें। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भुवनेश्वर की टॉप प्लेसेस टू विजिट वो कौन कौन सी हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, उनकी टिकट्स क्या है, क्या क्या रूल्स हैं वहाँ जाने के, किस टाइम जाना चाहिए किस टाइम नहीं जाना चाहिए, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। इस वीडियो में बताई गई सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैप्स के लिंक पे मिल जाएगी। वो लिंक क्लिक करके इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं। नंबर एक, उदयगिरी और खांडगिरी केव्स। तो गाइज हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर की सबसे फेमस अट्रैक्शन और ये सबसे फेमस अट्रैक्शन का नाम है उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स। उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोकल्स में भी और पूरे भारतवर्ष में भी ये केव्स काफी ज्यादा फेमस है। ये केव्स जिस पहाड़ी पे बसे हैं उनको ट्विन हिल बोला जाता था क्योंकि वो दिखने में एक जैसे लगते थे, जिसका पहले नाम कुमार और कुमारी हुआ करता था। इन केव्स का नाम इसी पहाड़ियों के नाम पे पड़ा है जिन्हें अब उदयगिरी और खांडगिरी के नाम से जाना जाता है। खांडगिरी में तकरीबन 15 केव्स हैं जिसमें केव नंबर 3 सबसे ज्यादा मशहूर है, उसी की कार्विंग देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट है सिर्फ 25 रुपए में जिसमें आपको दोनों केव्स देखने को मिलेंगे। हालांकि अंदर जाने के बाद आप यहाँ केव्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे और उन्हें सिर्फ बाहर से ही देख पाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको बंदर और लंगूरों का पूरा प्रकोप दिखेगा, तो उनसे पूरा बच के रहे। और यहाँ के उदयगिरी में है तकरीबन 18 केव्स। जी हाँ, ये केव्स सबसे पहले नोटिस में आए थे ए स्टर्लिंग के 1825 में, जो कि माना जाता है कि बनवाए गए थे 1st सेंचुरी में। इन केव्स के अंदर आपको लिया इंस्क्रिप्शन मिलेगा जो कि माना जाता है कि खोदा गया था खारवेला डायनेस्टी के द्वारा जैन मोंक्स के लिए। खांडगिरी केव से आपको भुवनेश्वर का भी एक बहुत ही बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि उदयगिरी का मतलब है द केव्स ऑफ सनराइज, यानी कि सूर्य उदय के केव्स, और यहीं पे रानी गुफा यानी कि क्वीन केव सबसे बड़े केव्स माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जगह एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इस केव के अंदर आपको बहुत ही सुंदर नृत्य करते हुए स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे जिसमें उदयगिरी के अंदर हाथी गुफा और गणेश गुफा सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे हाथी गुफा के अंदर आपको खारावेला के राजा की सल्तनत के काफी सारे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। उदयगिरी और खांडगिरी केव्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपए पर पर्सन की। नंबर 2, बिजू पटनायक पार्क। हमारी अगली जगह है ये, इस जगह का नाम है बिजू पटनायक पार्क। पहले इस पार्क को फॉरेस्ट पार्क बोला जाता था लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया बिजू पटनायक, जो कि उड़ीसा के फॉर्मल चीफ मिनिस्टर विजय आनंद पटनायक के नाम पे रखा गया है, जिन्हें बिजू पटनायक के नाम से जाना जाता है। ये पार्क तकरीबन 23 एकड़ में फैला है और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर की प्राइम लोकेशन पे है ये पार्क, बापूजी नगर में। इस पार्क के अंदर आपको बहुत सारे जॉगिंग ट्रैक्स, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क, बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन और टाइम और पिकनिक स्पेंड करने के लिए बहुत सारे एरिया मिलेंगे, इसलिए ये पार्क भुवनेश्वर का सबसे बेस्ट पार्क माना जाता है। भुवनेश्वर की सबसे प्राइम लोकेशन बापूजी नगर में स्थित है बिजू पटनायक पार्क। बिजू पटनायक जी जो कि उड़ीसा के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह है चुके हैं, उन्हीं के नाम पे बिजू पटनायक पार्क का नाम रखा गया है। इस पार्क में आपको एंशियंट कलाकृति भी देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी मॉडर्न आर्ट। इस पार्क का नाम पहले फॉरेस्ट पार्क हुआ करता था, फिर 2002 में इस पार्क का नाम बदल के रख दिया गया बिजू पटनायक पार्क, जो कि उड़ीसा के एक लेजेंडरी लीडर थे। बिजू पटनायक जी का उड़ीसा को डेवलप करने में जो योगदान है वो किसी सोने से कम नहीं। ये पार्क तकरीबन 23 एकड़ के एरिया में फैला है और इस पार्क में आने के बाद आपको डेफिनेट रिलैक्सेशन होगी। इसी पार्क में आपको बोटिंग फैसिलिटी, म्यूजिकल फाउंटेन और एक एक्टिविटी सेंटर भी मिलेगा। बिजू पटनायक पार्क की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 3, धावली शांति स्तूपा। गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है धावली शांति स्तूपा। इस स्तूपा को बनवाया गया था जापानी स्तूपा संघ के द्वारा और कलिंगा निपुण स्तूपा संघ के द्वारा 1970s के आसपास। शांति स्तूपा को पीस पकौड़ा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरी दुनिया भर में जहाँ भी पीस पकौड़ा बनते हैं उसका मतलब ये है कि वो पीस और सिंप्लिसिटी के साक्षी है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है धावली शांति स्तूपा, जो कि धावली पर्वत के चोटी पे बसा है। इसी स्तूपा के पास आप दर्शन कर सकते हैं धावलेश्वर टेंपल के, क्योंकि ये स्तूपा और वो मंदिर साथ ही साथ बने। जी हाँ, जापान बुद्ध संघ और कलिंगा निपुण बुद्ध संघ के द्वारा 1970s में बनवाया गया था धावली शांति स्तूपा, जिसे हम पीस पगोड़ा या शांति स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। इस स्तूपा को बनवाने के लिए असिस्ट किया था फूजी गुरुजी ने, इसीलिए ये जगह पूजा करने के लिए और ध्यान लगाने
के लिए हमारी आज की और फ्यूचर जनरेशन की एक बेहतरीन जगह बन चुकी है। यहाँ आपको अलग अलग तरीका के स्तूपा और चैत्यास देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे वो पिलर्स भी देख सकते हैं जिसकी फाउंडेशन रखी थी खुद राजा अशोका ने। ऐसा माना जाता है कि राजा अशोका शांति, खुशी, कमिटमेंट और ध्यान प्रमोट करने के लिए पूरे विश्व भर में घूमे थे और इसीलिए वह पूरे विश्व में जैन धर्म और बुद्ध धर्म फैला रहे थे। धावली शांति स्तूप की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक और यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 4, लिंगराज मंदिर। तो गाइस हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे भव्य मंदिर। इस मंदिर का नाम है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे पूजा की जाती है त्रिम्बुबेश्वर महाराज की, जिसका मतलब है तीनों लोगों के स्वामी। ये मंदिर 4 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं विमाना, दूसरे को बोलते हैं नित्य मंडप, तीसरे को बोलते हैं भोज मंडप और चौथा है यज्ञ मंडप। ये मंदिर चारों तरफ से एक बहुत ही मोटी दीवार से घिरा हुआ है और इसकी एंट्री सिर्फ एक ही जगह से होती है, जहां पर आप जूते और मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते। हालांकि इस मंदिर के अंदर 50 और भगवानों के मंदिर हैं, छोटे छोटे श्राइन्स बने हुए हैं जिसके दर्शन आप लिंगराज मंदिर में कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जो है 11वीं सदी में बनवाया गया था जजाति केसरी द्वारा, जो कि थे सोमवशी डायनेस्टी के। ये मंदिर इतना पुराना और प्रसिद्ध है कि इसको अगर आपने मिस कर दिया भुवनेश्वर में तो आपने भुवनेश्वर की सबसे मेन जगह मिस कर दी। जी हाँ, भुवनेश्वर का सबसे पुराना और सबसे भव्य मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो कि डेडिकेटेड है त्रिभुवनेश्वर को। इसका मतलब है तीनों लोकों के स्वामी। इस मंदिर में भी आपको पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर की स्ट्रक्चर की तरह 4 स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसमें है भोग मंडप, नाट्य मंडप, यज्ञशाला और विमान। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बनवाया गया था 11वीं सदी में। हालांकि यहाँ पे शंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है तकरीबन 7वीं सदी से। माइथोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले ब्रह्म पुराण की पूजा हुआ करती थी। इसीलिए इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर हिंदुइज्म के 2 मेजर बिलीफ्स को जोड़ता है, जिसमें आते हैं शिवजी और विष्णु जी। इस मंदिर की ऊंचाई है तकरीबन 54 मीटर, जो कि कालिंगा स्टाइल में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 5, अनंत वासुदेव टेम्पल। गाइस हमारी अगली जगह है ये हमारे पीछे। इस जगह का नाम है अनंत वासुदेव टेम्पल। भुवनेश्वर में कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो अनंत वासुदेव जी की पूजा करते हैं और ये मंदिर उनमें से एक है। इस मंदिर में पूजा होती है वासुदेव जी की यानी कि कृष्ण जी की, अनंत जी की यानी कि बलराम और सुभद्रा जी की। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ का किचन। यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है, भोग बनाया जाता है जो कि 56 तरीके का बनाया जाता है और लोगों में दान किया जाता है इसके बगल वाले किचन से, जो बिल्कुल इसके साइड बाय साइड है। अनंत वासुदेव टेम्पल में आपको बहुत कम ही भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ दर्शन करने के बाद आपका मन जरूर शांत होगा, इसलिए अनंत वासुदेव टेम्पल जरूर आए। जी हाँ, विष्णु जी को डेडिकेटेड यह मंदिर में पूजा की जाती है कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनवाया था 13वीं सदी में रानी चंद्रिका देवी ने, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन उससे पहले से ही इस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 17वीं सदी में मराठास ने इस मंदिर को रेनोवेट कराया, जिन्होंने अपनी डायनेस्टी उड़ीसा तक फैला ली थी। हिंदुओं के सबसे पॉपुलर त्यौहार जन्माष्टमी में इस मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और यहाँ अनंत वासुदेव टेम्पल पे सेलिब्रेट किया जाती है जन्माष्टमी। उस समय इस मंदिर में काफी भीड़ होती है और यहाँ के किचन में बटता है महाप्रसाद, जिसे हम अभार नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह प्रसाद बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से यहाँ के किचन में बनाया जाता है और जिसमें आज भी वह प्रसाद कोयले और मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह प्रसाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आनंदा बाजार के प्रसाद के जैसा ही लगता है। अनंत वासुदेव टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 6, मुक्तेश्वर मंदिर। गाइस हमारी अगली जगह है ये। इस जगह का नाम है भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर। भुवनेश्वर के कई बड़े मंदिरों में से एक है ये मुक्तेश्वर मंदिर। इस मंदिर को बनवाया था राजा ययाति ने, जो कि थे सौम्यवंशी डायनेस्टी के। कहते हैं इस मंदिर के अंदर एक मारीची कुंड भी है और अगर किसी भी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि इस मारीची कुंड में आके वो स्नान करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्तेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इसका आर्क शेप दरवाजा, जो कि यहाँ पे किसी और मंदिर में नहीं देखा जाता। इसलिए मुक्तेश्वर मंदिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से एक इम्पोर्टेंट जगह है देखने के लिए। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर के परशुरामेश्वरम और लिंगराज मंदिर के बगल में पड़ने वाला एक बहुत ही भव्य और यूनिक मंदिर है। 35 फुट लंबा यह मंदिर पूरी तरह से लाल सैंडस्टोन से बना है। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका आर्क शेप दरवाजा, जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया है और इसे जेम ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। इस मंदिर का कंपाउंड एक ऑक्टागोनल शेप का है, जिसमें आपको डायमंड शेप्ड विंडोज, प्राचीन जमाने की कलाकृतियां,
और कलिंगा डायनेस्टी की झलक देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनवाया था राजा ययाति ने, जो कि सोमावामशी डायनेस्टी के थे। मुक्तेश्वर मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 7, बिंदु सागर लेक। गाइस, हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर का ये बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक भुवनेश्वर के सबसे बड़े लेकों में से एक है, और माना जाता है कि ये जगह शिवजी ने खुद बनाई थी। जब पार्वती जी को प्यास लगी थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए शिवजी ने इस लेक का निर्माण किया था। ये लेक पड़ता है भुवनेश्वर के सबसे बड़े मंदिर लिंगराज महादेव मंदिर के पास, और ऐसा कहते हैं कि ऐसे 8 अलग अलग लेक स्ट्रेटेजिकली इस मंदिर के आसपास बनाए गए हैं, जो कि इस मंदिर की शोभा और बढ़ा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिंदु सागर लेक में स्नान करके लिंगराज मंदिर के दर्शन करने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस लेक का पानी आपके कई सारी बीमारी भी दूर करता है और आपके सारे पाप भी धो देता है। बिंदु सागर लेक या फिर बिंदु सरोवर उड़ीसा के सबसे पूजनीय झीलों में से एक झील है। ऐसा माना जाता है कि भूतकाल में भुवनेश्वर में 17 झीलें हुआ करती थी, और उसमें से सबसे प्रसिद्ध थी बिंदु सरोवर। ये सरोवर भुवनेश्वर में आपको लिंगराज मंदिर के बगल में स्थित मिलेगा, और ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में पानी है भारत के कई सारी पवित्र झीलों का। ऐसा भी माना जाता है कि इस झील को स्वयं भगवान शिव ने बनवाया था अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए। ऐसा माना जाता है कि अशोक अष्टमी के दिन बिंदु सागर में स्नान करके अगर आप लिंगराज मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये लेक 1300 फीट लंबा और 700 फीट चौड़ा है, और इसके चारों तरफ आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। इस लेक के बिल्कुल बगल में आपको देखने को मिलेगा भुवनेश्वर का अनंत वासुदेवा मंदिर। बिंदु सागर लेक पूरे दिन खुला होता है, और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 8, इस्कॉन टेंपल। तो गाइस, हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर का इस्कॉन टेंपल। जी हां, भुवनेश्वर का ये इस्कॉन टेंपल बनवाया गया था 1991 में इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। इस्कॉन टेंपल की सबसे खास बात यह है कि इस्कॉन टेंपल को देखने से ऐसा लगता है कि कमल के फूल की तरह शेप है इसका, जो कि खिलता हुआ कमल का फूल लगता है, और यही इसकी सबसे सुंदर बात है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को जगन्नाथ मंदिर में जाने की एंट्री नहीं है वो जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ आके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अंदर जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के दर्शन हो सकते हैं। भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6.5 किलोमीटर दूर स्थित है भुवनेश्वर का इस्कॉन टेंपल। अगर इस्कॉन टेंपल को भुवनेश्वर का सबसे सुंदर मंदिर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस मंदिर को बनवाया था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ने 1991 में। कहते हैं कि इस मंदिर का एक ही लक्ष्य है, लोगों को भक्ति की भावना सिखाना। सफेद पत्थर से बना यह इस्कॉन टेंपल इस्कॉन मूवमेंट की आइडियोलॉजी दिखाता है। इस मंदिर में हर शाम कीर्तन, भजन और पूजा की जाती है, जिससे जुड़ने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। भुवनेश्वर के इस्कॉन टेंपल में काफी सारे वैष्णव त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस्कॉन मंदिर की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 9, रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। गाइस, भुवनेश्वर में हमारी अगली जगह है ये। इस जगह का नाम है रीजनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री। इंडिया के ईस्ट पार्ट की तरफ ये सबसे बढ़िया और सबसे रिच म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री है। सिर्फ फौना यानी कि जानवरों के ही नहीं, बल्कि यहाँ पे फ्लोरा यानी कि प्लांट्स की भी काफी सारी वैरायटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस म्यूजियम को बनवाया गया था 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, और उसके 10 साल बाद 2004 में इसको आम जनता के लिए खोला गया। अपनी तरह का एकमात्र म्यूजियम है रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस म्यूजियम में आपको भारत की रिच बायोडायवर्सिटी देखने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको कई सारे जानवर, फूल, पेड़ और पौधे भी देखने को मिलेंगे, जो कि है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, अंडमान निकोबार आइलैंड से और अफ्रीका के मैडागास्कर आइलैंड से। ये म्यूजियम आपको एक ही छत के नीचे ईस्टर्न भारत के सबसे बड़े फ्लोरा एंड फौना इकोसिस्टम को दिखाता है। इस म्यूजियम को लोगों के लिए खोला गया था 2004 में, और यहाँ पर्यटक आके देख सकते हैं यहाँ की प्लांट्स की कलेक्शन, इंसेक्ट्स, अलग अलग जानवरों के कंकाल, पूरी दुनिया से ली गई अलग अलग स्पीशीज की फोटोज और भुवनेश्वर की जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इस जगह पर आप विलुप्त हो चुकी एलिफेंट बर्ड का अंडा भी देख सकते हैं। अगर आपको अपने पर्यावरण से प्यार है और आप अपने पर्यावरण के अद्भुत चमत्कारों को देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भुवनेश्वर का रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। RMNH की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 10, 64 योगिनी मंदिर। गाइस, हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बसा 64 योगिनी मंदिर। ये एक मंदिर होने के साथ साथ एक हेरिटेज साइट भी है, और पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 ही मंदिर एग्जिस्ट करते हैं जो कि 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें पहला है ये भुवनेश्वर के पास, दूसरा है उड़ीसा के बोलांगी डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी दो है मध्य प्रदेश में। इस मंदिर में पूजा की जाती है दुर्गा जी के 64 योगिनी यानी कि 64 इनकार्नेशन की, जिसमें इस मंदिर में है देवी महामाया, जो कि इन 64 रूपों में से एक रूप माना जाता है। 64 योगिनी मंदिर एक मंदिर होने के साथ साथ एक हिस्टोरिकल साइट भी है, जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज की जाती है। भुवनेश्वर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हीरापुर में पड़ता है 64 योगिनी मंदिर। दुनिया के 4 64 योगिनी मंदिरों में से एक है भुवनेश्वर का 64 योगिनी मंदिर, जिसमें से बाकी 3 लोकेटेड है भारत में अलग अलग जगह, जिसमें दूसरा वाला है भोलागिर उड़ीसा में, और तीसरा और चौथा है मध्य प्रदेश में। इस मंदिर
मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आप दुर्गा के 64 रूप देख पाएंगे, जिसमें से भुवनेश्वर वाले मंदिर में पूजा की जाती है महामाया माता की। इसी वजह से इस जगह का नाम महामाया मंदिर भी रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर बनवाया था रानी हीरा देवी ने, जो कि भामाकर डायनेस्टी की थी, और इस मंदिर को बनवाया गया था 9th सेंचुरी में। हालांकि उसके बाद यह मंदिर ज्यादा फेमस नहीं रहा, लेकिन 1953 में केदारनाथ महोपात्रा ने इस मंदिर की ग्लोरी वापस ले आए। हर साल दिसंबर में इस जगह पर 64 योगिनी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे भक्तजन 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आज के समय यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन की जाती है, जिसका डिजाइन आपको कलिंगा स्टाइल में बना हुआ दिखेगा। भार्गवी रिवर के बगल में यह मंदिर सिर्फ 8 फुट ऊंचा है और इस मंदिर की एंट्रेंस इतनी छोटी है कि आपको झुक के इस मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर की टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 11 परशुरामेश्वरम मंदिर। गाइस, हमारी अगली जगह है ये। इस जगह का नाम है परशुरामेश्वरम टेंपल। भाई, भुवनेश्वर का बहुत ही पुराना 7वीं सेंचुरी का टेंपल है परशुरामेश्वरम टेंपल। इस टेंपल के दो पार्ट है, मेन इसका विमाना जो मेन टेंपल है, और दूसरा है जगमोहन, जहाँ पे बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। ये टेंपल कलिंगा डायनेस्टी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। इस टेंपल को बनवाया था 7वीं सदी में, लेकिन 19th सेंचुरी में इसमें एक मेजर चेंज किया गया, जिस वजह से आज ये टेंपल ऐसा दिखता है जैसे ये है। इस टेंपल की सबसे खास बात है इसके 100 शिवलिंग जो इसके नॉर्थ पार्ट में है, और इस टेंपल के कलाकृति में ही शिव जी को तांडव करते हुए दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ डांस को कर रहे हैं। इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर बनवाया गया था 7वीं सदी में, तकरीबन 650 AD के दौरान, जिसे बनवाया था माधव राजा द्वितीय ने, जो कि थे शैलोद भावा डायनेस्टी के। फिर 1903 में इस मंदिर को रेनोवेट कराया गया और इस मंदिर के अंदर से इसकी रूफ और अंदर का डिजाइन बदला गया। परशुरामेश्वरम मंदिर एक उड़िया आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड बिल्डिंग है, जिसमें आपको दो मेन बिल्डिंग दिखेंगी, जिसमें सबसे पहला है विमाना और दूसरा है जगमोहन। हालांकि इस मंदिर का जो प्रेयर हॉल है, जिसे हम जगमोहन कहते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का हॉल है। इस मंदिर के एंट्रेंस और बाहर की तरफ आपको काफी सारी नकाशियों के दर्शन करने को मिलेंगे, जिसमें भगवान गणेश और माँ दुर्गा भी शामिल है। परशुरामेश्वरम मंदिर की टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 12 केदार गौरी मंदिर। गाइस, हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर का फेमस केदार गौरी मंदिर। केदार गौरी मंदिर, जहाँ पर दो भगवानों की पूजा की जाती है, सबसे पहले हैं केदार जी, जो कि हैं शिव जी, और दूसरी हैं गौरी माता, जो कि हैं पार्वती जी। इसके अलावा इस मंदिर के अंदर 3 और मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी, गणेश जी और दुर्गा जी के भी मंदिर हैं, जिनकी पूजा आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक खीरा कुंड भी मिलेगा, कहते हैं उसमें स्नान करने के बाद आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और ये मंदिर भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के बगल में है, और मुक्तेश्वर मंदिर में भी मारीची कुंड है, कहते हैं उसमें नहाने के बाद आपको संतान की प्राप्ति का सुख भी मिलता है। केदार गौरी मंदिर भुवनेश्वर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में काफी सारी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले ये माना जाता है कि केदार और गौरी नाम के युवक और युवती आपस में प्यार करते थे, लेकिन उनके गाँव वाले इस प्यार के खिलाफ थे, तो उन्होंने भाग कर इस जगह पे आके शरण ली, जहाँ पर आज केदार गौरी मंदिर है। एक दिन गौरी को भूख लगी और केदार उनके लिए शिकार करने गए थे, जहाँ पर वो खुद शेर का शिकार बन गए। यह जान के गौरी ने पास वाले कुंड में कूद के अपनी जान दे दी। इस बात का पता जब वहाँ के राजा लाला टेंडू केशरी को चला, तब उन्होंने उनके नाम पे यहाँ पे केदार गौरी का मंदिर बनवा दिया। कुछ लोगों के हिसाब से ये भी माना जाता है कि यहाँ पे खुद भगवान शिव और माता पार्वती आए थे वाराणसी से आराम करने, और तब से यहाँ पे केदार गौरी मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर भी आपको कलिंगा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में बना दिखेगा। केदार गौरी मंदिर पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। नंबर 13 श्रीराम मंदिर। गाइस, हमारी अगली जगह है ये भुवनेश्वर का श्रीराम मंदिर। भुवनेश्वर का श्रीराम मंदिर यहाँ के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। वैसे तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर बना है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये मंदिर एक एशियन आर्किटेक्चरल मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आपको दर्शन होंगे राम दरबार के, यानी कि श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के, और साथ ही में आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। ये मंदिर एक ट्रस्ट ने बनवाया था, और आज भी वही ट्रस्ट इस मंदिर की देखरेख करता है। इस मंदिर में कुछ त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि रामनवमी और दीपावली। इस मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है, और अगर आपको अलग अलग मंदिर एक्सप्लोर करने का मन करे तो भुवनेश्वर के राम मंदिर जरूर आए। द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर का दूसरा नाम, और उसी भुवनेश्वर का सबसे सुंदर मंदिर है श्री राम मंदिर। इस मंदिर में आपको दर्शन होंगे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के। यह मंदिर एक मॉडर्न स्ट्रक्चर मंदिर है, जो काफी भव्य और सुंदर है। यह मंदिर एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया है, जिसमें श्री राम के साथ आपको भगवान शिव, हनुमान जी और बाकी सारे भगवानों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस मंदिर में मनाए जाने वाले त्यौहार है रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा और विवाह पंचमी। श्री राम मंदिर में आपको मंदिर के कंपाउंड में एक छोटा सा कुआं और गार्डन कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलेगा। श्री राम मंदिर की टाइमिंग है 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की, और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 14 राजा रानी मंदिर। राजा रानी मंदिर बनवाया गया है लाल और पीले सैंडस्टोन से, जिसे लोकल लैंग्वेज में राजा रानी कहा जाता है, और इसी से इस मंदिर का नाम पड़ा है राजा रानी मंदिर। लोकली इस मंदिर को लव टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर की सबसे खास बात है इसके 8 स्ट्रक्चर, जो कि 8 दिशाओं में पॉइंट करते हैं। इस मंदिर में आपको दर्शन होंगे कुबेर जी के,
यम महाराज के, वायुदेव के, इंद्रदेव के, अग्निदेव, वरुण देव और शिव जी के। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर बनवाया गया था 11वीं सदी में राजा इंद्रदत्त के द्वारा, जो कि थे सोमावश्वी डायनेस्टी के। इस मंदिर का पहले नाम हुआ करता था इंद्रस्वर मंदिर, लेकिन बाद में इस मंदिर के पीले और लाल पत्थरों की वजह से इसका नाम राजा रानी मंदिर रख दिया गया। 1903 में भी इस मंदिर का रेनोवेशन हुआ और आज के समय यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है। राजा रानी मंदिर की टाइमिंग है 6:00 से लेकर 6:00 तक, और यहां आने की एंट्री टिकट है इंडियंस के लिए ₹5 और फॉरेनर्स के लिए ₹250। नंबर 15, ब्रह्मेश्वरा मंदिर। ब्रह्मेश्वरा मंदिर में पूजा की जाती है भगवान शिव की, जिनका नाम ब्रह्मेश्वरा देव भी है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम बीइंग ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और सबसे सुप्रीम बीइंग। ब्रह्मेश्वरा मंदिर में आपको दर्शन होंगे देवी चामुंडा के, और ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक कल्चर फॉलो करने वाले लोग भी यहां पे भगवान शिव और चामुंडा माता के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मेश्वरा मंदिर बनवाया गया था 9th century में, और इसके अंदर पाए जाने वाले स्कल्पचर्स बनवाए गए थे 11वीं सदी में, जिन्हें बनवाया था रानी कोलावती देवी ने, जो की थी सोमावंशी डायनेस्टी की। ऐसा भी माना जाता है कि वह रानी कोलावती देवी ही थी जिन्होंने शुरू की थी देवदासी प्रथा। देवदासी वो लोग जो कि भगवान की सेवा करते थे और नृत्य करते थे। देवदासी प्रथा के कुछ इंस्क्रिप्शन आपको इस मंदिर की दीवारों में भी देखने को मिलेंगे। यह मंदिर लिंगिया और कलिंगा आर्किटेक्चर को दर्शाता है, जिसके 4 भाग होते थे, जिसमें पहला था विमाना, दूसरा था नाटा मंदिर, तीसरा था जगमोहन और चौथा था भोग मंडप। ब्रह्मेश्वरा मंदिर की टाइमिंग है 6:00 से लेकर 8:00 तक, और यहां आना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में बताई गई सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैप्स के लिंक पे मिल जाएगी। वो लिंक क्लिक करके इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कोई जगह मिस हो गई है या फिर आपका कोई और भी सवाल हो तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करते हैं अपने हर कमेंट के सवाल का जवाब देने की। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या फिर हमारा ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप की लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप हमारा हर सैटरडे होने वाला लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, वहां हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। इसी तरीके से हमने टॉप प्लेसेस टू विजिट इन उड़ीसा, भुवनेश्वर और पुरी सबकी वीडियो बनाई है, जाके जरूर देखें। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो